हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल ट्रैवल मैजिशियन। मैं हूं आपका मैजिशियन संचित और लेके आया हूं इस बेहतरीन नए साल 2024 के अंदर आपके लिए एक नया वीलॉग। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीलॉग के अंदर प्रॉमिस करा था कि मैं आपको लेके जाऊंगा इंटरनेशनल ट्रिप के ऊपर, जो कि मैं आज आपका वादा, सबसे किया गया वादा पूरा करने वाला हूं। मैं आप लोगों को एक लेके जाने वाला हूं हांगकांग एंड मकाओ। जी हां, दो डेस्टिनेशंस हम लोग कवर करने वाले हैं, हांगकांग और उसके बाद वहाँ पे मकाओ। ये दो एरिया का कैसा, अगर आप यहाँ का ट्रिप प्लान करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। डिटेल पूरी आपको व्लॉग के अंदर मिलेगी। ज़्यादा डिटेल चाहिए होगी तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। तो चलिए, अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजे, फ़्लाइट है मेरी 1:30 लेट नाइट की, या अर्ली मॉर्निंग भी आप कह सकते हैं। तो हम वहाँ से जाएंगे हांगकांग और फिर आगे की जर्नी कैसे होगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज, मेरा आज का जो ट्रिप है वो है फैमिली ट्रिप। तो मैं जा रहा हूँ फैमिली के साथ हांगकांग, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आन की मैंने आपको फोटो दिखाई, ढेर सारा लगेज है, लेकिन अगर आप अच्छी एयरलाइन से बुक करो तो आपको लगेज का प्रॉब्लम नहीं होता। एयरलाइन कौन सा है, क्या डिटेल है, वो मैं आपको आगे जाके एयरपोर्ट देने वाला हूँ। अभी नज़ारों के मज़े लेते हैं, वेट करते हैं टूवर्ड्स इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठंड बहुत बढ़ गई है दिल्ली के अंदर दोस्तों, पूरा पैक होके रहिए दिल्ली के अंदर और इन्जॉय कीजिए। चलिए मूव करते हैं टूवर्ड्स एयरपोर्ट। तो गाइज़, अब हम लोग पहुंच चुके हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल 3 पे और अब हम जाएंगे अंदर, सिक्योरिटी चेक इन करेंगे। सिक्योरिटी के बाद मैं अंदर जाके अपना बोर्डिंग पास लूँगा, जो नॉर्मल प्रोसेस रहता है, मैंने आपको हर वीडियो में दिखाया है कि क्या प्रोसेस रहता है, तो वो वाला प्रोसेस जो है हम लेके चलेंगे और अंदर चलते हैं। मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ, गेट नंबर 6 और गेट नंबर 7 से मुझे बताया गया है कि यहाँ से जो है आपकी एंट्री मिलेगी फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स गेट नंबर 6, वहाँ से मैं एंट्री करूँगा, फिर जाऊँगा मैं अपना बोर्डिंग पास लेने, जो कि पूरा प्रोसेस है। तो चलिए देखते हैं कैसा गुजरता है आज का दिन। मैं पहुँच चुका हूँ एयरपोर्ट के अंदर। जो मेरा सिक्योरिटी प्रोसेस था वो प्रोटोकॉल के चक्कर में मैं आपको नहीं दिखा पाया, बट ओवरऑल जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ है। मैं अगेन कहूँगा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे प्रोसेस डिजी यात्रा आने के बाद फॉर डोमेस्टिक ट्रैवलर काफ़ी स्मूथ हो गया है, तो ओवरऑल प्रोसेस काफ़ी अच्छा रहा। मेरे को 10 मिनट लगे मुश्किल से एंट्री करने में। अभी आप देख रहे हो मेरे पीछे जो चेक इन काउंटर्स हैं वो पूरे ऑक्यूपाइड हैं, काफ़ी भीड़ है। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा से ये रहता है कि आप अगर एयरपोर्ट आएँ और इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो 4 घंटे कम से कम आप पहले ज़रूर पहुँचें, जिसकी वजह से आपको जितना भी प्रोसेस है यहाँ कवर करने का टाइम मिले वो आप जल्दी कर पाएँ। और 4 घंटे का टाइम मेरे ख्याल से सफिशेंट है, वैसे तो कम एयरलाइंस जो हैं वो 3 घंटे भी बोलती हैं, बट 4 घंटे का ये सफिशेंट, तो आप 4 घंटे लेके चलिए, उसके बाद आपको ये प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो ओवरऑल जो मेरा
का प्रोसेस अभी मुझे आई गेस मेरे को यहाँ जो पीछे देख के मुझे लगता है मुझे लगने वाले हैं यहाँ पे कोई अराउंड हाफ एन आवर मोस्ट प्रॉब्ली, तो हाफ एन आवर के लिए मैं यहाँ पे चेक इन करता हूँ फिर आपको लेके चलता हूँ अंदर। प्रोटोकॉल्स वाले एरिया को मैं नहीं दिखाने वाला क्योंकि वो एज़ पर प्रोटोकॉल्स है उसमें मैं नहीं अगेंस्ट जाने वाला जो हमेशा की बात है, बट हम मूव करके जो मैक्सिमम एरिया है मैं आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। गाइस मेरा प्रोसेस पूरे हाफ एन आवर लगा कंप्लीट होने में, मुझे आधे घंटे के अंदर मुझे मिल गए हैं डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपको एक प्री अराइवल फॉर्म भरना पड़ता है, अगर आप हांगकॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं तो प्री अराइवल वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे, जो आप ऑनलाइन जाके उसको फिल इन कर सकते हैं डिटेल। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप उसके अंदर से जाके पूरा आप उसको फॉलो करके अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्योंकि आपको चेक इन के टाइम पे वो मांगा जाएगा तो वो दिखा दिया, उसके बाद फिर अब जाएंगे नेक्स्ट जो है इमिग्रेशन के लिए, वहाँ का मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वो प्रोटोकॉल्स के अंदर आता है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं कवर नहीं करने वाला। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स इमिग्रेशन सेंटर, फिर आगे मिलता हूँ मैं आपको चेक इन गेट्स के पास या बोर्डिंग गेट्स के पास। गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं इमिग्रेशन से और साथ में सिक्योरिटी चेक इन से। ओवरऑल अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो जैसे मैं हर बार ही बताता हूं कि इसका प्रोसेस में आपको लगेगा अराउंड 40-45 मिनट्स आपको पूरे प्रोसेस में लगेंगे। ऑल दो ये थोड़ा खाली था आज, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा 40 मिनट्स के आसपास आप लेके चलिए फॉर इमिग्रेशन एंड फॉर सिक्योरिटी चेक। तो ये टोटल प्रोसेस होने के बाद अब मैं सीधा एंट्री कर रहा हूँ दिल्ली ड्यूटी फ्री में, जिसकी मैं आपको क्लिपिंग्स दिखाने वाला हूँ। मैं पहुंच गया हूं फूड लॉन्च में यहां पे। अगर पर्टिकुलरली आप जैसे ही आप एंटर करेंगे दिल्ली ड्यूटी फ्री वाले को क्रॉस करेंगे तो आपको स्ट्रेट फर्स्ट फ्लोर पे लॉन्च एक्सेस, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो काफ़ी सारे लॉन्चेस हैं, और प्लस साथ में फूड कोर्ट मिलेगा यहां पे। तो फूड कोर्ट में आपके पास यहां काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पास KFC भी है, आपके पास मैकडोनल्ड्स भी है, आपके पास डोमिनोज भी है, और ये सेम डोमेस्टिक के जैसे लॉन्चेस के एक्सेस थे या डोमेस्टिक का फूड कोर्ट था उससे काफ़ी मिलता जुलता है। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूँगा तो आपको यहाँ पे फूड की बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे 24 आवर्स फूड मिलता है, मैकडोनल्ड्स डोमिनोज सब हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप पीछे बैठ के, अगर आप यहाँ मैं दिखाऊँ तो आप यहाँ बैठ के खा भी सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं मील का। तो लेट्स गो टूवर्ड्स, अब मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ फूड का और उसके बाद फिर आपको रिव्यू देता हूँ उसका। सबसे पहले मैं आपको जो मेरे साथ इस ट्रिप पे जा रहे हैं उनसे मैं कराऊंगा मुलाकात। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एज़ यूजुअल मेरी साथी म्यूजिशियन साक्षी नोनू, उनका असली नाम सृष्टि है, मेरी बुआ मेरी मम्मा और मेरे
अभी दो मैजिशियंस और हैं जो कि दूसरी फ्लाइट से आ रहे हैं, वो अभी मेरे को मिलेंगे डायरेक्ट मकाऊ के अंदर। मेरी आइटनरी की अगर मैं बात करूं तो मेरी आइटनरी को जिस तरीके की है कि पहले मैं हांगकांग लैंड करूंगा, वहां से मैं जाऊंगा मकाऊ। मकाऊ किस तरह पहुंचना है, हांगकांग से कितना टाइम लगता है, क्या डिटेल्स हैं, वो मैं सब आपको जब पहुंचूंगा वहां पे तो पूरा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा उसका। तो अभी वेट करते हैं, उसके बाद मूव करते हैं टूवर्ड्स आवर बोर्डिंग गेट और लेते हैं फ्लाइट, लेट नाइट फ्लाइट या अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स टू द सिटी ऑफ हांगकांग। गाइस हमने कर लिया है लेट नाइट डिनर डन, हमने कुछ ऑर्डर करा था मैकडोनल्ड से जिसकी मैंने आपको अभी क्लिपिंग दिखाई, और साथ में कुछ ऑर्डर करा था idli.com से जो कि पापा और मम्मी की फरमाइश थी उनको खानी है इडली। तो आइए लेते हैं रिव्यू। मैकडोनल्ड्स का रिव्यू तो स्टैंडर्ड रहेगा बट स्टिल मैं आप लोगों को बताऊंगा पूछ के न्यू रिव्यूअर से कि आज मैकडोनल्ड्स किस तरीके से टेस्ट करा है। और इससे पहले हम मैकडोनल्ड्स का रिव्यू दें, मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ इडली का। इडली बहुत अच्छी है यहाँ पे, चटनी सांभर और ऑल राइट, थ्री पीस इडली है वन में। अगर आपको रेटिंग देनी हो 10 में से तो आप कितने दोगे? 9। 10 में से 9 एब्सोल्युटली। आपके लिए क्या रिव्यू है? 10 में से कितने नंबर? 10 में से 9 नंबर। अब चलते हैं फर्स्ट मैजिशियन की ओर जो कि है साक्षी। साक्षी आपके रिव्यूज क्या है मैकडोनल्ड्स के लिए? आई एम लविंग इट। और कितने रेटिंग देंगे आप 10 में से? 10। सृष्टि बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा था, मज़ा आ गया। कितनी रेटिंग? 9.5। बहुत बढ़िया था, उसका साइज़ भी बड़ा था तो मुझे अच्छा लगा। जैसे कि मैंने भी मैकडोनल्ड्स टेस्ट करा था इसलिए तो मैकडोनल्ड्स का रिव्यू मैं भी आपको देने वाला हूँ। मैकडोनल्ड्स का स्टैंडर्ड टेस्ट है जैसे मैंने आपको बताया, तो ओवरऑल रेटिंग जो मैं पहले से देते आ रहा हूँ मैकडोनल्ड्स को सेम रेटिंग मैं कंटिन्यू करूँगा ऑफ 8, क्योंकि इनके टेस्ट बिल्कुल सेम रहते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो मैकडोनल्ड्स की रेटिंग इज 8 स्टैंडर्ड फॉर मी राइट नाउ। थोड़ा बहुत ही इंप्रूवमेंट कर सकते हैं रिगार्डिंग द क्वांटिटी जो ये प्रोवाइड करते हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज की क्वांटिटी जो ये देते हैं, या फिर जो बर्गर्स के अंदर जो प्राइसिंग है स्पेसिफिकली यहाँ का एयरपोर्ट के ऊपर वो काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू जो आपको बाहर मिलेगा। तो उस प्राइसिंग फैक्टर के लिए मैं इसके 2 नंबर काट रहा हूँ, तो मैं देता हूँ 8 नंबर मैकडोनल्ड्स को यहाँ पे। गाइस बोर्डिंग हो गई है डन, अब मैं जा रहा हूँ टुवर्ड्स प्लेन और काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था, बोर्डिंग में ज़रा टाइम नहीं लगा, भीड़ भी नहीं थी, तो ओवरऑल आई थिंक मैक्सिमम 5 मिनट्स के अंदर मेरा बोर्डिंग क्लियर हो गया। अब प्लेन में एंट्री करने से पहले थोड़ी सी भीड़ मुझे दिख रही है, तो इट वुड टेक अराउंड से 10 मिनट्स, तो वेट करते हैं, मूव करते हैं टुवर्ड्स द प्लेन। इशू हो गया, अगर मैं एयरलाइन की पर्टिकुलरली बात करूँ तो जो लोग हैं वो बैगेजेस वगैरह काफ़ी कैरी करते हैं, जिसके चक्कर में मेरा बैगेज जो है वो अभी सीट के नीचे ही हुआ है एज़ कम्पेयर टू ऊपर। एक बैग मेरा ऊपर आ गया जो मेरे को ज़्यादा डिफिकल्ट था जिसको रखना, बाकी दोनों बैग लैपटॉप वाले मैंने नीचे रख लिए हैं, तो इतना प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि जब एक बैग का लिमिटेशन दे रखा है लोगों को तो एक बैग ही लाना चाहिए, उसमें ज़्यादा बैग लाने नहीं चाहिए। तो अभी देखेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम पे भी मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ इंफोटेनमेंट सिस्टम किस तरीके का है यहाँ पे, ओवरऑल सिचुएशन आई गेस अच्छा रहेगा, तो लेट्स सी। बट ये बैगेज वाला पॉइंट एक एयरलाइंस को जरूर मैं मार्क करूँगा, कहते हैं पैसिफिक को, कि नंबर ऑफ बैग्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए 1 बैग पर मेंबर, ताकि इस तरीके के इश्यूज़ ना आ पाए।